उत्तराखंड के पिछले चार दिनों से हो रही भारी बारिश पर अब राजनीति शुरू हो गई है। वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने केंद्र सरकार के साथ साथ मुख्य विपक्षी नेता अजय भट्ट को आपदा पर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2-2 लाख रुपए फौरी मदद के तौर पर मृतक परिवारों को दिए हैं। केंद्र सरकार से तुरंत 500 करोड़ रुपए की मदद सरकार को देनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं दिया। इससे पता लगता है कि राज्य की जनता से केंद्र सरकार और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ राजनीति कर रही है। वहीं इस मामले में कांग्रेस संगठन भी कूद पड़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि राज्य में आई आपदा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केंद्र सरकार को जो मदद करनी चाहिए वो नहीं कर रहा है। आपदा पर आप सबके भाषण में खुद जावड़ेकर को सुन रही थी, लेकिन पैसा नहीं घोषित किया। अरे कोई इमीडिएट तरीका क्या होता है? देश का प्रधानमंत्री तुरंत कहता है हम 500 करोड़ 400 करोड़ 1000 करोड़ रुपए देते हैं, पैसा नहीं घोषित करते। इससे आपको खुद लगता है कि किस तरह मन में रिजर्वेशन रखे हुए, कैसे गैर भाजपाई सरकारें जिंदा रहेंगी इस पर नहीं। उसके बाद भी जनता जमी हुई है, साथ है पूरी तरह। तो हम तो बहुत धन्यवाद देते हैं उत्तराखंड की जनता को। सारी मुसीबतों कहानियों के बाद की गई मदद सबको दिखाई देती है, सुनाई देती है। तुरंत राहत देनी चाहिए उन लोगों को, सीधे 5-5, 10-10 लाख रुपया या मकान कुछ देना चाहिए। नहीं, हमने सबसे पहले तो जो चमोली में और यहाँ पर डीडी हाट में जिस तरह से अतिवृष्टि से जो स्थिति पैदा हुई है उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। और आज मैं पुनः जो है, क्योंकि 1980 से और उससे पहले से भी हम लोग मध्य हिमालय के बारे में चिंतित हैं, तो एक समावेशी और सतत विकास की नीति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय के लिए बननी चाहिए, नहीं तो मानवता ही खतरे में पड़ जाएगी।